गुड मॉर्निंग। आज 25 में है और ये जहाँ कल रात में रुका था होम स्टे में, वहाँ से बाहर का व्यू है। सामने यमुना जी बहती हुई और बाहर का व्यू आप देख सकते हैं कितना शानदार है। आज की हमारी राइड है वो है सिरमौर हिमाचल प्रदेश तक, और हम होके जाएंगे पुरोला, मोरी, हनोल और त्यूनी। इन सब सिटियों को हम क्रॉस करते हुए जाएंगे। ये सामने हम यमुना जी को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से यमुना जी डायरेक्ट डाउनवर्ड बहते हुए नीचे की तरफ चली जाती हैं। तो आगे की जो राइड है हमारी, वो एक और नदी है टॉन्स, उसके किनारे किनारे होने वाली है। टॉन्स यमुना जी की सहायक नदी है, लेकिन वो हमारे रास्ते के पैदल में मिलेंगी और आगे से जा करके टर्न लेकर के लेफ्ट साइड को यमुना जी में ज्वाइन होती हैं। आज सुबह हमने स्टार्ट किया था नौगांव, जो कि बरकोट से करीब 10 किलोमीटर है, और मुख्य जो हमारा आज का डेस्टिनेशन रहेगा जो हम कवर करेंगे वो है हनोल के महासू देवता का मंदिर। साथ में जहाँ भी अच्छे व्यू आएंगे मैं रुक कर कोशिश करूँगा कि उसको डिटेल में कवर करूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस राइड पे। इस साइड में बहुत सारे खूबसूरत वैलीज और ऐसे ही व्यूज़ दिखते रहेंगे, मिलते रहेंगे। सामने देखिए एक लेडी को कितना वेट कैरी करते हुए, और यही सेक्रेट है, राज है यहाँ के लोगों के हेल्दी रहने का। सब कुछ नेचुरल तो मिलता है ही यहाँ पे, साथ में ये लोग हार्डवर्किंग भी होते हैं। और एक और खूबसूरत वैली, खूबसूरती आपको यहाँ हर एक पग पे मिलेगी। और आज मौसम क्लाउडी है, रेन की वार्निंग है, तो देख सकते हैं पहाड़ों पे बादलों ने अपना घर जमा रखा है। इस रूट पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा नहीं, क्योंकि इस रूट पे कोई डेस्टिनेशन है नहीं। तो जो लोग स्पेसिफिकली हनोल के महासू देवता टेम्पल आ रहे हैं भी इस रूट पे मिलेंगे, या फिर जो शिमला जा रहे हैं वो दिखेंगे, क्योंकि उत्तराखंड से शिमला के लिए यही एक रास्ता है। हनोल 16 किलोमीटर्स, हर किदुन 59 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो यहीं से होकर रास्ता जाता है हर किदुन जैसे फेमस ट्रैक के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर ट्रैक है। 44 किलोमीटर्स का है और करीब 7 डेज का समय लगता है उसमें। किसी भी ट्रैकर का हर किदुन एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है। सामने टोंस नदी बहती हुई आप देख सकते हैं, और हमारी राइड अब इसी के किनारे किनारे कंटिन्यू रहने वाली है, यहाँ तक कि हनोल का जो फेमस टेम्पल है महासू देवता का, वो भी इसके किनारे ही है। आगे जाकर ये यमुना जी की सहायक नदी बन जाती है।
रास्ते में हमें यह केबल ब्रिज दिखा है जो कि 1899 में बना है, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है, मना कर दिया गया है, क्योंकि ये पुल बहुत ही कमज़ोर हो गया है और अदर साइड का जो अदर एंड का जो एंट्री है उसको पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रेंथ, छूने से यह बिल्कुल हिल रहा है, तो कृपया इस पर चढ़े नहीं, फोटोग्राफी के लिए या सेल्फी के लिए इस पर न जाएं। ये देखिए अदर साइड का जो एग्जिट है वो बंद है। चलिए वापस चलते हैं। हम हनोल पहुंचने वाले हैं और हमारे राइट साइड में है ये हनोल का मास्टर देवता का एंट्री गेट। यहाँ के पार्किंग से बाहर के चारों तरफ का व्यू है, जो हाईवे है जहाँ से होके हम आए हैं, और ये यहाँ की पार्किंग का दृश्य है। बाहर का दृश्य देखिए कितना खूबसूरत और शानदार है, और ये यहाँ की ब्रीफ हिस्ट्री लिखी हुई है। महासु देवता जो हैं वो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और यहाँ के लोगों की बड़ी श्रद्धा है इनमें। आप देख सकते हैं मंदिर का सुंदर आर्किटेक्चर और इस पर की हुई पेंटिंग्स कितनी खूबसूरत है।
अभी हम हिमाचल में हैं और त्यूनी और अर्कोट के बाद आपको हिमाचल की बाउंड्री स्टार्ट होती है। और ज्योग्राफिकली आपको दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, ये तो हम ह्यूमन बीइंग्स ने डिवाइड कर रखा है, बाउंड्री अपना रखी है। अदरवाइज ज्योग्राफिकली दोनों आपको एक से ही दिखेंगे। अभी मैं सलियाना हिमाचल प्रदेश में हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ के खूबसूरत वैली को। और ये जो वाइट कपड़ों से कवर्ड वैली में जो दिख रहे हैं, मैंने स्थानीय लोगों से पता किया, ये एप्पल के प्लांट्स हैं जिसमें नए एप्पल लगने शुरू हुए हैं। ये उनको ही वाइट कपड़ों से कवर किया है ताकि ओले से बचाया जा सके। और यहाँ एप्पल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और आज का जो नाइट स्टे है, श्री बद्रिका आश्रम, यहाँ से करीब 90 किलोमीटर्स है, जो कि मोर देन 3 आवर्स की ड्राइव पे है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। अभी तक हम टोंस नदी के किनारे किनारे ड्राइव कर रहे थे, जो कि हनोल के बाद भी कंटिन्यू था। उसके आगे टोंस नदी लेफ्ट टर्न लेकर आगे निकल जाती है और आगे जाकर यमुना जी की सहायक नदी बन जाती है। और इस आपके सामने गिरी नदी है और हमारी ड्राइव अभी इसके साथ साथ होने वाली है। बद्री का आश्रम तक हमारे साथ रहेंगी ये। और यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल यू टर्न लेकर नदी किस तरह से बह रही है इन खूबसूरत वादियों से। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी श्री बद्रिका आश्रम तक और मिलते हैं उसके बाद की जर्नी में।